जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हम आपको बताते हैं कि किस नाम से जाना जाता है और क्यों। साथ ही आपको बताएंगे कि लोग देवी देवताओं पर कितना विश्वास करते हैं, कितनी आस्था रखते हैं देवी देवताओं के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर चोर देवी देवताओं के घरों में ही सेंध लगाए तो क्या होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि राज्य में ज्यादातर देवी देवता ही मौजूद रहते हैं। यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं अपने देवी देवताओं पर। लेकिन चोर अब भगवान के घरों में सेंध लगाए बैठे हैं। एक ओर जहाँ लोग देवी देवताओं पर बेतहाशा विश्वास करते हैं, वहीं चोर लोगों की ही आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं क्योंकि चोर अब भगवान के ही घरों में सेंध लगा रहे हैं। ये रोते भिलकते लोग इसलिए नहीं रो रहे कि चोरों ने इनकी तिजोरी पर हाथ साफ किया हो, बल्कि इसलिए रो रहे हैं क्योंकि चोरों ने इनके भगवान को, हम सबके भगवान को, रघुनाथ की मूर्ति को ही चुरा लिया है। दुख की बात तो ये कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये ऐसा अनर्थ है जो शायद पता नहीं पूरा हो ना पाए। इसके लिए आप देख रहे हैं किस्मत लोग, पूरा कुल्लू आज बाजार बंद है, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस दुख को बयान करना मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी इंसान बोल सके। हर किसी की आंखों में आंसू है, हर कोई अब अपनी तरफ से अपने उस देख रहा है कि कब क्या है। पर इतना हम विश्वास रखते हैं, हमें तो ये विश्वास है कि राम जी खुद आएंगे, वो खुद यहाँ पर बना। जी हाँ, वही भगवान रघुनाथ जी जिन्हें हम और आप विश्व विख्यात कुल्लू दशहरे में देखते हैं, जिनकी अगुवाई में देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है और दशहरे को चार चांद लगाती है। भगवान रघुनाथ जी की मौजूदगी ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो लोगों की आस्था का प्रतीक है। आज उन्हें भगवान को उन्हीं के घर से चोर चुरा ले गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गमगीन हुए हैं क्योंकि उनके भगवान चोरी जो हो गए हैं। नहीं, हम तो इतने उदास हो चुके हैं कि हमसे बयान भी नहीं हो पा रहा कि हमारे शहर के, हमारे सुल्तानपुर के, हमारे ग्राम देवता यहाँ से चले गए हैं। और इसका दुख हमें इतना है कि जिसका हम बता नहीं सकते। हमारे समस्त लोग जन यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब रो रहे हैं। उनकी दशा इतनी दयनीय है कि आपको मैं बता नहीं सकती। भगवान, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे रामचंद्र जी वापस आएंगे और जो कोई इनको लेके गया वो खुद आके यहाँ पे छोड़ के जाए। यही हमारा प्रण है, यही हम चाहते हैं। हमारे रामचंद्र जी आएंगे, हमें पूरा विश्वास है, मैं इसके साथ कहती हूँ। और हमारे दुख को रामचंद्र ही खत्म करेंगे। कुल्लू में स्थित भगवान रघुनाथ जी का मंदिर विश्व विख्यात है। चोर उसी मंदिर में सेंध लगाने में कामयाब रहे। ऐसा नहीं है कि चोरों ने महज इस मंदिर में पहली मर्तबा सेंध लगाई हो, नहीं, बल्कि इससे पहले भी चोर इसी मंदिर में चोरी कर चुके हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात खुद कह रहे हैं महेश्वर सिंह। सोना चांदी सब भी चला जाता, उसके लिए तो इतने लोग बैठे हैं। पिछली बार भी जिस प्रकार से हर व्यक्ति ने अपनी यथाशक्ति यहाँ पर योगदान दिया, तो 60 किलो की चांदी की चोरी और कुछ सोना गया था, वो सब का सब उससे पूरा हो गया। लेकिन जो मूर्तियों का जाना है, ये तो अमूल्य वस्तुएं हैं। आपको बता दें कि जिस रघुनाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां चोरी हुई है, उसी मंदिर में इसी वर्ष जनवरी में पहले भी चोर सेंध लगा चुके हैं और फिर से उसी मंदिर में चोरों का चोरी करना, जिसे देखकर बार बार एक ही सवाल जहन में आता है कि अगर पहले भी इसी तरह की वारदात को चोर अंजाम दे चुके थे तो फिर क्यों इस मंदिर में चोरों से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, केशन। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि चोरी के कुछ दिन बीत जाने के बाद भी क्यों पसरा कुल्लू में सन्नाटा।